नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुरानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती। दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 14 अगस्त 2022 रविवार का दिन है जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और अब जो भारत के आजादी का, स्वतंत्रता का जो ये अमृत महोत्सव चल रहा है, इसी आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर, यानी 75 साल जब कंप्लीट होने आ रहे हैं, इस पावन अवसर पर आप सभी को और आपके समूचे परिवार को बहुत बहुत हार्दिक मनपूर्वक मंगलमय शुभकामनाएं। दोस्तों, आपने ये टाइटल और थंबनेल देखकर आप भी असरज में पड़ गए होंगे कि फिर दोबारा उसी संजय राउत पर ये क्या नई जानकारी है। हाँ दोस्तों, कुछ हंगामा चल रहा है, हंगामा हुआ है, बल्कि क्या है ये सारी जानकारियां, ये हम आपको इसी वीडियो में देने जा रहे हैं। ये खुद संजय राउत तो ईडी के केस में जुडिशियल कस्टडी में, यानी आर्थर रोड जेल में हैं, ये तो स्पष्ट बात है। उसके बावजूद क्या हुआ है उनके साथ, इसकी पूरी जानकारी आपके सामने रखने का हम प्रयास करने जा रहे हैं इस वीडियो द्वारा। दोस्तों, हम उसी संजय राउत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि शिवसेना के सांसद हैं और शिवसेना के प्रवक्ता हैं। और अब सरकार किसकी है, महाराष्ट्र में शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं, जी हां, एकनाथ शिंदे। देखिए, कुछ अजीब तरह की घटनाएं हो रही हैं। शिवसेना की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं, उसमें शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं श्री एकनाथ शिंदे जी, और शिवसेना के ही प्रवक्ता जुडिशियल कस्टडी में अंदर हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के केस में, और उन्हीं के साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। जी हां दोस्तों, ये वही संजय राउत है जिन्होंने वो 40 विधायक जो आसाम में गए थे गुवाहाटी, वहां से मुर्दा लाशें आने वाली है, पोस्टमार्टम के लिए जाएंगी, इस तरह के विचित्र तरीके के बयान किए थे, और किस किस तरह के से उन्होंने उल्टी सीधी बातें कही, ये तो क्षेत्रीय मीडिया हो चाहे हिंदी के मीडिया चैनल हो, ये सब भली भांति जानते हैं। अब क्योंकि उनका भी श्रावण मास शुरू हो चुका है, या चातुर्मास, क्योंकि संजय राउत जो जुलाई 31 की रात को गिरफ्तार किए गए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, जब उन्होंने उनकी जांच में सहकार्य नहीं किया, उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया, उसके बाद से लेके अब तक उनके बारे में जानकारी आती है तो क्या जानकारी आ रही है, ये मीडिया चैनल क्या दे रहे हैं, ये तारीख पड़ी, कोर्ट के अंदर पेशी हुई, इन्हें इनकी ईडी की कस्टडी बढ़ाई गई, लेकिन काफी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां वो नहीं दे रहे, इन्हें जुडिशियल कस्टडी किया गया, यहां तक उनके भाई जेल गए थे, उनके भाई कोर्ट में गए थे जो कि विधायक हैं, लेकिन असली हकीकतें क्या है, अंदर की बातें क्या है, वही हम आपके सामने रख रहे हैं। दोस्तों, परसों के दिन यानी 12 तारीख को, 12 अगस्त 2022 को हमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई कि सुबह सुबह आर्थर रोड जेल में सुबह 4 बजे सुबह मानी जाती है कि सुबह हो गई, और लाइटें शुरू की जाती है, यानी बिजली चालू की जाती है, वहां की लाइटें शुरू होती हैं, और ये संजय राउत साहब को कैदी क्रमांक, कैदी नंबर 1156 दिया हुआ है, इस तरह से सूत्रों से जानकारियां प्राप्त हो रही है। और इन्हें जिस सेल, जिस बैरक में रखा हुआ है, वहां पर इन्हीं के सेल में ये बताया जा रहा है कि 2 कैदी और हैं। अब हम जिस दिन की बात कर रहे हैं, वो शायद गुरुवार का दिन होगा, गुरुवार की घटना होगी, और शुक्रवार को ये किसी ने जानकारी आगे दी होगी, विश्वसनीय सूत्रों से जानकारियां प्राप्त हुई है। शुक्रवार को हमें क्या मालूम पड़ा कि शायद ये गुरुवार की घटना हो, ये रात भर इन्हें नींद नहीं आई। अब जब इन्हें नींद नहीं आई, सुबह जब 4 बजे बत्तियां जली तो ये वॉशरूम गए, गुसलखाने, टॉयलेट, वहां पर अपने पेट साफ करने की कोशिश करते रहे, काफी समय तक वो वहां रहे। जब इनका पेट साफ नहीं हो पा रहा था तो बाकी जो 2 कैदी थे उसी सेल में, वो बहुत बड़े परेशान थे, उन्हें खाई थी अंदर जाने की,
कि जब ये भाई साहब वहां से उठे तो इन लोगों का नंबर लगेगा, लेकिन ये वहां से कहां उठते, ये वैसे ही परेशान, रात भर नींद नहीं लगी, इन्हें नींद नहीं आई। और ये जो दोनों कैदी है वो अंदर घुस गए और इन्हें उल्टा सीधा बोलने लगे और इन्हें कहने लगे कि आप जल्दी उठिए। उस पर इनकी हमेशा की तरह इनकी जो आदतें हैं, मुंह से कुछ बुड़बुड़ बुड़बुड़ बोल दिया इन्होंने और उसके ऊपर ये दोनों कैदी भड़क गए, गुस्से में आ गए। और ये जानकारी अब प्राप्त हो रही है, उन जानकारियों के हिसाब से उन्होंने संजय राउत को पकड़ के पीट दिया। उसके बाद वहां पर जो इन्हें मारा गया, उसके बाद ये वहां से उठे और इन कैदियों ने अपनी शौच क्रिया जो भी है वो की होगी। खैर, कहने का मतलब ये है कि इस तरह के हालात है। और उसी समय ये बताया जा रहा है, उसी दिन सुबह इनकी बेटी और इनके भाई के जेल के बाहर थे और इस ये जो पूरी घटना हुई इसके बारे में संजय राउत जेल के निरीक्षक से यानी इंस्पेक्टर से काफी समय तक तकरार करते रहे। उस विषय में क्या हुआ नहीं हुआ उसकी तो जानकारी प्राप्त नहीं हुई। लगभग उसी दिन उसी समय या उसी सुबह इनके भाई और इनकी बेटी उसी जेल के निरीक्षक से तकरार शिकायत करने की कोशिश करते रहे कि इन्हें बिछाना दिया जाए, मैट्रेस दी जाए सोने के लिए, जो इन्हें दी नहीं जा रही है। अब ये पूरी घटनाएं चलती रही। इसके बाद जो इनके सामने नाश्ता आया, ये बताया जा रहा है कि हल्दी लगे हुए पोहे इनके सामने रखे गए और एक कप चाय जो इन्हें दिया गया। वो पोहे तो इन्होंने खाए या नहीं खाए इसकी तो जानकारी आई नहीं, लेकिन वो जो चाय थी वो ना ही ठीक से गर्म थी और ना ही पूरी ठंडी थी, यानी जिसे मराठी में कोमट कहते हैं, यानी थोड़ा सा गर्म या थोड़ा सा ठंडा, इस तरह की परिस्थिति थी उस चाय की। तो इन्होंने वो चाय पीने से इनकार कर दिया और उसके तुरंत बाद ये जो दोनों कैदी थे उसमें से एक कैदी ने वो चाय का कप उठा करके चाय पी ली। ये जो सारी जानकारी हमें प्राप्त हो रही हैं जिन भी सूत्रों से, कहने का हमारा मतलब ये है कि ये किस तरह के हालात महाराष्ट्र में आ चुके हैं, यानी ये अजीब तरह की परिस्थिति है, जिस तरह की परिस्थिति के बारे में आज तक ना ही सुना गया है और ना ही इस तरह की कोई परिस्थिति शायद ही किसी ने देखी होगी। क्योंकि अगर किसी ने इस तरह की परिस्थिति देखी होती तो इस बारे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानकारी देता, शायद मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल यानी समाचार के माध्यमों में, न्यूज के माध्यमों से नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यमों से यानी समाज माध्यमों से इस प्रकार की जानकारियां मिलती। लेकिन अब तक इस तरह की कोई जानकारियां हमें तो सुनने नहीं आई, ना ही इस तरह की कोई जानकारियां प्राप्त हुई। जब जानकारी प्राप्त हुई है तो उसके बाद हम आपके सामने ये जानकारी लेकर के आए हैं और आपके सामने ये सारी जानकारियां रखी है। अब बताइए कि ये जो कुछ हुआ ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ और सही नहीं हुआ। कानूनी रूप में ये सही है या गलत है इसका फैसला तो न्यायालय करेंगे, जब इनके वकील यानी संजय राउत के वकील न्यायालयों के सामने यानी संबंधित न्यायालय के सामने इस विषय में जानकारी रखेंगे या शिकायत दर्ज करवाएंगे। खैर, जेल के अधिकारियों ने इस विषय में क्या दुरुस्ती की, क्या कार्रवाई की नहीं की, इस विषय में भी अब तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं आई है, ना ही हमें इस विषय में कोई जानकारी प्राप्त हुई है। हाँ, अगर आप अब ये कहेंगे कि ये सारी जानकारी आपको किस तरह से प्राप्त हुई, आपको कैसे पता चला, ये आपका बिल्कुल सही सवाल है, इस विषय में भी हम आपको जानकारी जरूर देंगे। दोस्तों, हम आपके सामने वो जो सूत्र है, हमें जिस माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई वो आपके सामने अभी इस स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं, आप भी इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं कि क्या है। आइए देखते हैं इसे। दोस्तों, अभी आपने देखा कि संध्याकाल नाम के एक वर्तमान पत्र में इसकी जानकारी छपी थी और ये हमारे एक जर्नलिस्ट मित्र ने, जिनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, अभी वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहते यूट्यूब चैनल पर, तो उन्होंने हमें ये जानकारी भेजी थी। और ये जानकारी प्राप्त होने के बाद में हमें ये लगा कि ये सारी जानकारियां अपने दर्शकों के सामने रखना बेहद महत्वपूर्ण है और जरूरी भी है, इसलिए हमने ये सारी जानकारियां आपके सामने रखने का प्रयास किया है अपने वीडियो द्वारा। ये सारी जानकारियां आपको कैसी लगी ये तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें डेफिनेटली 100% जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र और परिवार, रिश्तेदार या कलीग्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।